म्यूजिक लॉन्च है ये और आपका परफॉर्मेंस नहीं हो लव चार्जर आप सुना दे अगर तो सब चार्ज हो जाएंगे यू आर द लव चार्जर यू आर द लव चार्जर यू आर द लव चार्जर आई एम love यू आर are लव चार्जर यू आर द लव चार्जर यू आर are यू आर द लव चार्जर यू आर दार्जर आप ने सलमान और शाहरुख के जैसे एट पैक्स और सिक्स पैक्स क्यों नहीं दिखाए कमी आ, लग रही है उसकी जी जी आ, अभी हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम ध्यान में बैठते रहे सत्रह सत्रह घंटे हालांकि जब हम गेम खेला करते थे लगभग अठारह साल की उम्र से शुरू हुए थे और बत्तीस साल तक हमने गेम खेले थर्टी नेशनल गेम हम खेले हैं कौन से गेम आ, आ वॉलीबॉल है क्रिकेट है नेशनल स्टाइल कबड्डी है बैडमिंटन है लॉन टेनिस है पुट है, हैमर थ्रो है जेवलिन है डिस्कस है और <laughs> बास्केटबॉल है थ्रो बॉल है तो गेम यानी इतने हमने गेम खेले तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे लेकिन अब क्योंकि सत्रह सत्रह घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है क्योंकि सत्रह घंटे ध्यान में बैठना और वो भी कम से कम पंद्रह से अठारह साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाह पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप बहुत अच्छी डिजाइनर हैं और आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तो बाकी मूवी अब कंप्लीट हो चुकी है कैसा लग रहा है आज म्यूजिक लॉन्च करते हो वक्त मेरा एक ही सवाल है है आपसे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी हाँ बच्चों ने मेहनत की है और आज वो साकार होने वाली है और वो सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं हमारे साथी बन के सब एक पूरा ग्रुप है एक पूरी टीम है ये टीम वर्क है ठीक है हम इनके साथ हर क्षेत्र में साथ लगते रहे पर एक इंसान कोई भी नहीं करता उसके साथ एक पूरी टीम होती है और हमारी टीम हमारे सामने बैठी हुई है और सबको बहुत आशीर्वाद और हर टीम की इच्छा होती है कि वो जो गेम खेलती हैं वो टॉप पे जाए तो वाकई हम सबकी भी यही इच्छा है कि भगवान इसको टॉप पे लेके जाए और आप इसे देखें तो टॉप पे जाए बाबा मेरा सवाल है पिछली बार आपको फिल्म की प्रमोशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा है आ, जी ऐसा आ, नहीं आ, क्योंकि जो आ, प्रमोशन हम कर रहे हैं तो वो अपने कोर्ट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं सब कुछ पहले भी वैसे ही किया था आज भी वैसे ही कर रहे हैं या बाबा टू योर लेफ्ट या बाबा जी रियली आपका यू you नो know, आपकी क्रेजीनेस जो है देख के देख के जो है आई एम रियली एक्साइटेड जितना आपकी पॉपुलैरिटी है सो इज इट लाइक दैट कि आप बॉलीवुड uh, में हीरोइज को नए तरीके से डिफाइन करने वाले हैं बिकॉज इन बॉलीवुड वी हैव द अदर एक्टर्स लाइक अक्षय एंड सलमान एंड ऑल दिस And all, and all these actors they they are are I mean you say they are quite तो आप क्या एक नया heroism को define करने की जो है you think like that uh, हम नया तो यही लेके आ रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है जो सारी दुनिया में सबसे महान है और उसके द्वारा ही एंटरटेनमेंट किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि नंगा होना ज़रूरी नहीं है कि अश्लीलता होना बल्कि आज की जो फिल्म हम एम एस लेके आ रहे हैं आ, ये नंगों को ही कपड़े पहनाए हैं तो वही हम दिखाने आ रहे हैं कि फ्रेंक होना अगर सब नंगापन है तो आदिवासी तो सबसे ज़्यादा फ्रेंक थे क्योंकि वो तो नंगे रहते थे तो फ्रेंकनेस होती है कि आदमी का दिमाग इतना चले जैसे हमारे यूथ का चलता है पढ़े लिखे नौजवानों का चलता है पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनको हमारे नौजवानों ने अपने दिमाग से चमकाया है हम तो बस एक संदेश लेके आए हैं किसी का कुछ नहीं जो जिसको अच्छा लगता है वो बढ़िया है हम अपने तरीके से आए हैं लोग अपने तरीके से आते हैं वेल uh, well, अभी हमने आपका डांस भी देखा आपके फिटनेस के जो है जो आप यू प्ले अर लॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स तो नॉर्मली वॉट यू डू टू रिमेन फिट क्या 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 कुछ करते हैं आप फिट रहने के लिए जी uh, अब जो हम करते हैं कि ध्यान ध्यान एक मुख्य उसके कारण है और दूसरा है योगा और तीसरा है एक्सरसाइज जैसे भागना दौड़ना और यहाँ तक टाइम मिल जाए तो जिम में भी दो दो घंटे बिता लेते हैं तो सब कुछ हम करते हैं जैसे एक नौजवान करता है एक्सरसाइज के लिए लेकिन मुख्यतः ज्यादा समय ध्यान में जाता है बॉक्स ऑफिस नंबर्स और फिल्म का हिट होना फ्लॉप होना आपके लिए कितना मायने रखता है और आप इस मूवी को भी उस उस नज़रिए से देखेंगे जी जैसे हमने पहली फिल्म को देखा था बिल्कुल वैसा नज़रिया है कि उस फिल्म का मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में गया जैसे यूरोप में हम जाके आए नेपाल में गए इंडिया में गए हर जगह वो मैसेज पहुंचा है और इसका हमें लगता है उससे ज़्यादा पहुंचे ये भगवान से प्रार्थना है और बॉक्स ऑफिस की यहाँ तक बात है तो कंपनी वाले तभी मूवी बनाते हैं अगर उनको कोई फ़ायदा होता है हमें लगता है पहली ने बहुत फ़ायदा दिया है उनको और ये वाली भी बहुत फ़ायदा देगी बाबा जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं अपने फिल्म में ट्रेलर के दौरान उस तरह से लगता है कि सलमान खान को आप टक्कर दे रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप यूथ उससे खुश होते हैं हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की दूसरी बात जो भी हीरो हैं वो अपनी जगह अपनी एक्टिंग में महान है हर कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है हम टक्कर किसी को नहीं देते लेकिन जो यूथ कर सकता है हमें लगता है हम वो कर सकते हैं ये आत्मबल जरूर हमारे अंदर है कि ये विल पावर आता है आ, ध्यान से योगा से ये, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि इस चलो इस विषय पर पिक्चर बनाते हैं कहाँ से ये आइडिया है आप जी ये रियल बेस्ड स्टोरी है हम 2000 में राजस्थान एरिया में गए थे यहाँ आदिवासी टोटली नंगे रहते थे महुए की शराब पीते थे कच्चा मांस खाते थे मारामारी उनमें बहुत होती थी भूत प्रेतों का साया तीन चार दिन में दो दो कत्ल हो जाया करते थे तो हम डेढ़ साल वहाँ रहे उनको चेंज किया वो तो प्यार से किया भगवान के नाम से लेकिन क्योंकि ये ड्रामा फिल्म में बनाना पड़ता है तो फाइट और स्टंट इसमें ऐड किए हैं बाकी ज़्यादातर फिल्म जो है वो रियल बेस्ड है तो ये लगता है कि जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं वो आम जिंदगी से कितने ताल्लुक क्योंकि जो हाइपरबोल एक तरह से हो जा रहा है जितने भी स्टंट्स आपने किए हैं तो वो क्या चीज़ है पिक्चर में कि आप एक अलग तरीके का अपना जो अवतार है वो दिखा रहे हैं पिक्चर में जी जी आ, जितने भी यहाँ स्टंट किए हैं वो सिर्फ एक यूथ को यही शिक्षा देने के लिए कि हाँ हम कोई तलवार नहीं उठा रहे कोई राइफल नहीं उठा रहे हमारे हर धर्म में लिखा है कि आत्मरक्षा हर प्राणी का हक है तो आत्मरक्षा जरूरी नहीं है कि तलवार या इन चीज़ों से कीजिए बॉडी को इतना पावरफुल बना लो कि आप उससे भी आत्मरक्षा कर सको हमारा एक ये संदेश इनडायरेक्टली यूथ के लिए लेके आए हम और हमें लगता है कि आप बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है यही हम चाह रहे थे आपके हाँ। आपके जो ये है, इस तरफ इधर आपके जी 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 जो स्टंट्स है ये ऋतिक रोशन की क्रिश को आ, अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं क्या कहना है आपको उससे भी बेहतर लग रहे हैं जी जी और हमें यही खुशी है कि आपका जो कमेंट है ये हमारे लिए बहुत खुशी है कि आपको बहुत बेहतर लगा और यहाँ तक क्रिस की बात है हमने सुना जरूर है कि उन्होंने जहाज़ को पकड़ के धरती पे बिठा दिया ऐसा सुना है लेकिन और हमने वो फिल्म देखी नहीं है तो आप अगर कह रहे हैं तो क्योंकि आप तो जानकार लोग हैं तो हमें लगता है वाकई उससे बेहतर लगा तो बेहतर ही होगा और जहाँ आपने कहा कि आप एक्सरसाइज करते हैं जिम करते हैं योगा करते हैं तो आपने सलमान और शाहरुख के जैसे एट पैक्स और सिक्स पैक्स की उन्हें देखा कमी लग रही है उसकी जी जी आ, अभी हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम ध्यान में बैठते रहे सत्रह सत्रह घंटे हालांकि जब हम गेम खेला करते थे लगभग अठारह साल की उम्र से शुरू हुए थे और बत्तीस साल तक हमने गेम खेले थर्टी टू नेशनल गेम हम खेले हैं कौन से गेम वॉलीबॉल है क्रिकेट है नेशनल स्टाइल कबड्डी है बैडमिंटन है लॉन टेनिस है शॉर्टपुट है हैमर थ्रो है जेवलिन है डिस्कस है और हाँ। <laughs> बास्केटबॉल है थ्रो बॉल है तो गेम यानी इतने हमने गेम खेले तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे लेकिन अब क्योंकि सत्रह सत्रह घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है क्योंकि सत्रह घंटे ध्यान में बैठना और वो भी कम से कम पंद्रह से अठारह साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाहे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज़ पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे सर अब 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 आपने कहा कि आपने टक्कर दी लोगों को तो बॉलीवुड में आप किसको टक्कर देने की तैयारी में हैं? नहीं नहीं हमने टक्कर नहीं कहा ये, हम ये कहा करते थे कि जब खेला करते थे मजाक में बच्चों को कि आइए हमारे यार दोस्त होते कि टक्कर मारिए पेट में तो <laughs> और जो टक्कर की आप बात कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं किसी को टक्कर दें क्योंकि हमने किसी की कई बार कई हंसते हुए यहाँ कई सज्जनों ने हमें कहा गुरु जी क्यों रोजी रोटी पे लात मारते हो हमने कहा नहीं हम लात मारने नहीं आए बल्कि हम एक स्वस्थ तरीके से इंटरटेनमेंट करने आए हैं कि सिर्फ नग्नता से या इन चीज़ों से इंटरटेनमेंट नहीं होता बल्कि स्वस्थ तरीके से भी हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं हमारी संस्कृति से भी तो सो हमारा टक्कर किसी को देने का कोई इरादा नहीं सर कॉपीराइट्स मूवी की कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन डो ऑर्डर मिला था जी जी उसके बारे में बताइए ये सब कंपनी ने किया है और हमें लगता है वो प्रोड्यूसर यहाँ होंगे तो आपको जरूर बताएंगे हाँ ये गुड़गांव से इनकी कंपनी है ये हैं इसमें तो इन लोगों को पता है हमें बताया जरूर है कि शायद सीडी कोई ऑनलाइन या ऐसा कुछ ऐसा जरूर बताया है पर क्या हुआ है क्या किया है तो इन सबको पता है सर आपने हेलो uh, uh, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ऑर्डर uh, जो है कोर्ट से लिया गया है कोई भी अगर ऑनलाइन अपलोड करता है या पायरेसी करता है तो उसके लिए एक स्ट्रांग स्टैंप लिया गया है और कोर्ट ने वो ऑर्डर हमें दे दिया है कंपनी को थैंक यू सर आपने फिल्म का पूरा प्रोडक्शन संभाला है और डायरेक्शन भी देखा है आपने और नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप अच्छी तरह से एकदम फिटनेस की तरह से डांस भी बहुत अच्छा किया आपने तो कोरियोग्राफी करने में आप रियल लाइफ में भी डांस करते हैं सर और कैसे कैसे तैयारी रही आपकी कोरियोग्राफर के साथ कैसा मिल रहा डांस का मूवमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव कुछ कुछ जगह लगा आप स्टन्स करते हुए भी नजर आए तो हाउ वाज इट डिफिकल्ट कैसे आपने तैयारी की सर जी जी आ, हमें आ, अब जो गुरु बने जब से तो लाइफ में यही लगता था कि डांस सबसे टफ है हमारे लिए क्योंकि लगभग बत्तीस साल हो गए हमें डांस छोड़े तब डांस किया करते थे तो हमारे कोरियोग्राफर लॉलीपॉप हैं और अरविंद जी हैं और इनके बच्चे कहने के गुरु जी ले, आप कर सकते हो ऐसे हमने कह तेरी उम्र कितनी है कहते उनतीस साल हमें कहा बत्तीस साल हमें छोड़े हो गए यार पर कहते नहीं फिर भी करवा के छोड़ेंगे और इन बच्चों ने हमसे करवा के छोड़ा है तो ये इनकी मेहनत है इन्होंने करवाया इसमें कोई दो राय नहीं हम बिल्कुल छोड़ चुके थे हाँ बाकी जो डांस होते रहे हैं वो हमने भी इनका साथ दिया है कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना कि चलो यार ऐसे कर लें लॉलीपॉप ऐसे करें क्या अरविंद जी ऐसे करें क्या तो इनके साथ बैठ के हम लोग डिजाइन किया करते थे वो एक अलग चीज़ है लेकिन हमसे इन लोगों ने जो भी स्टेप करवाए इनकी हिम्मत है जो करवा लिया इन्होंने जहाँ नाच की बात कर रहे हैं आपकी तो आपने कितनों को नचाया है आ, इस फिल्म में हमें लगता है एक दिन में सबसे ज़्यादा जो हमने ना एक लोगों को नचाया है जो पार्टी धूमधाम में आपने देखा तो जो ये कोरियोग्राफी की गई तो अरविंद हंसने लगे गुरु जी आपका महकमा मैंने संभाल लिया है जो ऊपर नाच रहे वो भी संभाल लिया इनका आप संभालो उनका मत कर इनका हम ही संभालते थे हम ही संभाल लेंगे तो फिर उनको वो डांस करवाना लाइट कब छोड़नी है ये सब तो हम करते रहे पहले भी ऐसा हुआ था तो इतने लोग उसमें डांस किया है एक रात में और तीन रात कंटिन्यू वो डांस चला है यहाँ पर

अब वो बड़े हताशा निराशा की तरफ जा रहे हैं जा, अगर नौकरी नहीं मिलती या किसी काम में सक्सेस नहीं होता जल्दी वो हताश हो जाते हैं तो उनके अंदर बिल पावर आए उनके अंदर एक पावर आए तो हमने उन्हीं को एम लेके ये फिल्में बना रहे हैं बाबा जी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप बिग बॉस नाइन में नजर आने वाले हैं जी खबरें हमें भी मिली हैं <laughs> बाबा जी, सच है हमें भी लोगों ने कहा गुरु बिग बॉस में आइए तो हमारे जैसे अभी जो हकीकत कंपनी के खड़े हुए थे औरोडा जी बोला। तो हमने कहा कि कुछ लोग भी हमें मिले तो हमने इनसे कहा हमारी कुछ समस्या है अगर वो आप दूर कर दोगे तो हम सोच लेंगे फाइनल नहीं किया समस्या क्या है कि हमारे पास सुबह सुबह पूरे वर्ल्ड से नशेड़ी लोग आते हैं यूथ आता है मेनली तो हम वहां कोई पैसा नहीं लेते कोई चढ़ावा नहीं वो कभी भी नहीं लिया जाता वहां तो उनका ड्रग छुड़ाने के लिए उनको आत्मबल के लिए वेदों का गुरु मंत्र बताते हैं दूसरा पूरी दुनिया से बीमार लोग आते हैं पुअर पर्सन आते हैं तो उनकी बीमारी के लिए उनको आतंबल कैसे बढ़े ताकि 10 परसेंट काम करने वाली दवा सौ कर जाए तो वो डेली हमारे सुबह शाम ये क्रू मेंबर इसके गवाह हैं फिल्म चलते भी हम लोग उनसे मिलते रहे बीच बीच में जा जाके जा जाके जा जा साहब से पूछिए डी साहब को सबको पता है इनको तो वो हमने इनसे बोला कि अगर वो हमें रोजाना के दो तीन घंटे मिल जाया करेंगे तो सोच सकते हैं आ, वरना अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया है लेकिन बाबा जी मेरा सवाल यही था कि आप बिग बॉस नाइन में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे जी जी वही बोला बेटा कि वो ही बोला कि वही बोला ये लोगों को हमने कह दिया कि ये हमें दिक्कत आ रही है कि दो तीन घंटे क्या हमें उनके लिए दोगे तो अगर अभी ये सोच रहे हैं इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे तो हमने कहा फिर हम भी विचार कर लेंगे जी ये बाबा जी जैसा कि अभी हमने आपकी पॉपुलरिटी देखी आजकल इस मुल्क में काफी लोग जो है बाबा है, वर्ड जो है एक ब्रांड बनता जा रहा है फिलहाल फिलवक्त फिल जो है राधे माँ जो है वो काफी पॉपुलर हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आ, उनके बारे में हमने यही सुना है जो हमने सुना क्योंकि ज्यादा देखा नहीं है कुछ भी ऐसा कि कोई पैसे का भी चक्कर है कि पैसा बहुत कमाया गया इसके पीछे आ, बुरा ना कोई भी माने हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि किसी को कोई पैसा दिया जाता है वेदों में तो ऐसा लिखा नहीं किसी पवित्र ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान पैसे लेता है असल में ये जनता है जो पैसे देती है कि यार शॉर्टकट मिल जाए भगवान का ना तो भक्ति करनी पड़े ना राम नाम जपना पड़े सौ की ठग्गी मारिए पाँच इधर चढ़ा दो हम भी खुश और भगवान भी खुश तो ये ऐसा जो पाखंडवाद को बढ़ावा देना है वो हमें जो लगा वो जनता का काम ज्यादा बड़ा है जो बन के बैठता है उसकी भी गलती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए पर जनता उकसाती है कि यार तू बैठे बैठे खा ये ले हमारे हमें भी खुश और तू भी खुश जबकि धर्मों में है वेदों में लिखा है भगवान देता था देता है और देता ही रहेगा वो लेता ही नहीं किसी से कुछ तो यही सच्चाई है जी बेटा बाबा, बाबा जैसे कि आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो आपको फॉलोवर्स के लिए एक मैसेज दे मैसेज आपके फॉलोअर्स का प्यार है तो उनके लिए एक मैसेज क्या मैसेज देना चाहेंगे जी बेटा जी बेटा ये वो नौजवान बच्चे हैं साढ़े पाँच करोड़ में अस्सी लाख के करीब मतलब एटी परसेंट अस्सी लाख नहीं एटी परसेंट यूथ है हमारे साथ तो इनको मैसेज हमने बहुत सारे दे रखे हैं बेटा एक सौ बारह कार्य इनको दिए हैं कि आप करें ब्लड डोनेट करें तीन महीने के बाद तो ये लोग कर रहे हैं तो इन सबको हम सैल्यूट कर सकते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं सबको बाबा जी आपके जो, जो जो पिक्चर का बैकग्राउंड है आपके उसमें पूरी तरह से जो एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है बाहुबली एक पिक्चर आई थी अभी कुछ दिनों पहले राजा मौली साहब की तो जो पूरा बैकग्राउंड है जितने लोग काम करें तो कुछ वहाँ से भी इंस्पिरेशन आप लोग आपकी क्रिएटिव टीम ने ली या आपको कुछ बताया गया हमने तो सुना ही नहीं जब अब आई है तो तब सुना कि ऐसी कोई फिल्म आई और जब हम शूटिंग करने गए तो जो पहली फिल्म बनी है एम एस उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था हमारे डायरेक्टर साहब तो वहाँ आए बैठे थे और हमने ये लगभग सत्तर अस्सी परसेंट फिल्म को फिल्मा दिया था हमें कुछ पता नहीं है बाबा जी आपकी जब पिछली फिल्म आई थी तब सेंसर को लेके काफी इश्यूज हुए थे तो इस फिल्म की अगर बात करें तो क्या सेंसर ने पास कर दिया है और अगर पास किया तो क्या सर्टिफिकेट दिया बताए बिना कर्स के पास किया है हमें लगता है ये बेहतर जवाब देंगे इसका क्योंकि ये इन्हीं की ड्यूटी यही लगे हुए हैं इस पे आ, ये पक्का है कि इन्होंने होमवर्क अपना पूरा कर लिया है तो आप बता दें कौन सा उनको मिला सर्टिफिकेट या क्या है आ, जो सेंसर इस बार हो चुका है और यू दिया है और कोई ऐसा मेजर कट नहीं था एक दो माइनर चेंजेस थी जो सेंसर बोर्ड ने की है उसके अलावा फिल्म अप्रूव होके सेंसर मिल चुका है बाबा एक सवाल जी जी आपके बहुत से चाहते हैं पीछे ऐसा क्या कर दिया जो आपके चाहने वाले बन गए हमें भी तो बताइए कुछ चमत्कार दिखाइए जी 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 बहुत ही बढ़िया आपने पूछा हकीकत यह है कि हम कुछ भी नहीं करते हम तो एक मंत्र देते हैं असल में होता क्या है चाहे कोई गरीब है या मिडिल क्लास है या हायर सोसाइटी के नौजवान जो हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं साढ़े करोड़ में अस्सी परसेंट जो लोग हैं यूथ तो उनमें क्या था वो नशा करते थे जैसे बिल्कुल पुअर पर्सन है बूट पॉलिश को ब्रेड में लगा के खाना छिपकली को सुखा के उसका पाउडर बना के उसको खाना एस आर जो लकड़ी में काम आता है उसको सूंघना या उसको खाना ऐसी बहुत सारी चीज़ें नशे थे और जो मिडिल क्लास है शराब पीना अफीम पोस्त वगैरह भांग ये नशा करना और जो हायर क्लास है हीरोइन समैक ये मेडिकल नशे तो हमने क्या किया हमने गुरु मंत्र वेदों का एक मंत्र है वो लोगों को बताया कि इसका जाप कीजिए सात दिन घंटा सुबह शाम करोगे गारंटी हमारी है आपका नशा चला जाएगा तो इनका नशा चला गया जो घर नरक बन गए थे आज वो स्वर्ग बन गए हैं हमें लगता है ये सब भगवान का कारनामा है जो इनके अंदर नाच रहे हैं ये जोश से और खुशी से ये सब ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है बाबा आ, सामने जी एक म्यूजिक uh, लॉन्च है ये और आपका परफॉर्मेंस नहीं हो लव चार्जर आप सुना दे अगर तो सब चार्ज हो जाएंगे यू आर द लव चार्जर यू आर द लव चार्जर यू आर द लव चार्जर आई एम love लकी You यू आर love लव चार्जर यू आर द लव चार्जर यू आर love यू आर are यू आर दार्जर हेलो सर वंडरफुल वॉइस सर सर जैसे कि फिल्म में मैटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी फिल्म का जितना भी टारगेट जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिल्म उतनी कंटेंट uh, लोगों तक जाती है फिल्म पॉपुलैरिटी बनाती है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है सर ऑल ओवर वर्ल्ड में या कैसे करना है प्लानिंग जी जी आ, हमने तो इनको यही बोला है कि पूरी दुनिया में ये फिल्म जाए और ये हकीकत एंटरटेनमेंट के जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमें पूरा बता देंगे कि कैसे आ, इन्होंने कितनी स्क्रीन हमारी तरफ से तो ये बोला गया था कि तीन चार हज़ार स्क्रीन पे लॉन्च करना है कि अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा बाकी इन्होंने जो प्रोग्राम किया है या जो प्लानिंग कर रखी है जी अगर आप बता दें जो इस वाइड रिलीज वर्ल्ड वाइड एंड प्रोबेबली आई थिंक थ्री प्लस स्क्रीन इन इंडिया एंड देन वी आर थिंकिंग टू रिलीज इन ओवर सीज ऑल्सो एंड बी बिग रिलीज वेरी बिग रिलीज प्लीज हैंड्स टू गॉर द ऑफिशियल सी डी लॉन्च ऑफ एम एस जी दसेंजर टू इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप कुछ लोग इधर आ जाइए ताकि कंप्लीट फ्रेम मिले हमें ओके बिगॉट द फाइनल स्टेप थैंक यू सभी क्लोज हो जाइए थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच तो इट्स ए ऑफिशियल क्लोज हो जाइए सभी जोरदार तालियां क्योंकि सीढ़ी जो है अब सीढ़ी आ रही है धीरे धीरे और ये भी गुरुजी ने डिजाइन किया है राइट सीढ़ी आ रही है कहीं और मंच के सामने देखिए सीढ़ी आपके बीच में आ रही है वेरी पावरफुल सॉन्ग्स वेरी पावरफुल वॉइस और बहुत ही धासु म्यूजिक होने वाला है और बिल्कुल सेंटर में आके स्टॉप हुई है तो कैन वी हैव द सीडी केस एम एस जी टू का म्यूजिक लॉन्च बड़े ही अनोखे और निराले अंदाज में है और बताना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट है ये खुद डिजाइन किया गुरुजी ने खुद ही अभी मैं बताया कि खुर्दी ने खुद डिजाइन किया कंसेप्ट ब्रिलियंट कंसेप्ट है बहुत जबरदस्त तो सभी सीढ़ी जी हाँ तो सीढ़ी ये अब लॉन्च होने जा रही है तो आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवर घुमा लीजिए आई रिक्वेस्ट एवरी वन कवर घुमा लीजिए और सभी सभी लोग कैच सभी लोग और वो खोल दीजिए ये खोलिए प्लीज थोड़ा नीचे और सीडी अनविल कीजिए। तो जोरदार तालियां हो जाए। मेसेंजर टू का ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च है आई रिक्वेस्ट गुरु जी टू वो ओपन प्लीज इसको ओपन कर दीजिए और हमें दिखाइए इसकी लेबलिंग जी हाँ तो आप देख सकते हैं और इसको खोलिए कवर को बहुत ही ब्यूटीफुल कवर डिजाइन किया है गुरुजी ने खुद जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आज म्यूजिक लॉन्च है और 18 सितंबर को मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है <laughs> जी आप द होल कास्ट एंड दी पीपल हु आर बिहाइंड दिस मूवी दिन की मेहनत है वो आज स्माइल करते नजर आ रहे हैं सबसे तो पहले बताइए कि आज का जो म्यूजिक ये, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत खुशी हुई कि सब लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया और साथ ही साथ जो आपने एल्बम लॉन्च किया एल्बम में कौन सा गाना आपका फेवरेट है आ, और पार्टी दो सॉन्ग हमारे बहुत अच्छे लगते अठारह मैं, मैं मैं तो। सेप्टेम्बर को एम एस जी टू आ रही है और उसमें जिन लोगों ने आदिवासी नहीं देखे होंगे और कैसे वो बदले जो कच्चा मांस खाया करते थे कैसे वो बदले जिन्हें लोग जंगली या असभ्य कहते हैं कौन सा वो मंत्र था कौन सा वो मेथड था जिससे वो बदल गए और अगर वो बदल सकते हैं जो अपने आप को सभ्य कहलाता है समाज वो अपनी बैड हैबिट को चेंज क्यों नहीं करता ये हम उसमें लेके हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है अलग अलग तरह की हम उसमें फाइट डिज़ाइन की है और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया अपनी तरफ से पूरा छः सॉन्ग आए छः के छः हमने अलग अलग आवाज़ में गाए हैं और हमें लगता है यूथ को पसंद आएंगे तो आप आगे ज़रूर देखिएगा अठारह सेप्टेम्बर को इस फिल्म में मैसेज बहुत सारे हैं लेकिन आप देखेंगे उसको कि एंटरटेनमेंट के द्वारा मैसेज है जैसे भूत प्रेत नहीं होते इस धरती पे क्या ये सच्चाई है और ये आपको बता दें हमने जो फिल्म शूट की है पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग जो हुई है एशिया के मोस्ट हॉन्टेड किला जो भानगढ़ का किला राजस्थान में मशहूर है उसी में हुई हम रातों को घूमे दिन को घूमे तो क्या था वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लोग डरा करते हैं बंदर थे लंगूर थे चीता थे उल्लू वगैरह थे या चमगादड़ थे और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था सो so, ऐसा कुछ होता ही नहीं जो वेदों में लिखा है कि धरती पे कोई भूत प्रेत होते ही नहीं वो बिल्कुल सच है और आप आके देखेंगे ये फिल्म में तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी मिल मिल जी हाँ मेनली यही है कि हमारा कि जो नशे में पड़ा यूथ है या हताश हुआ यूथ है अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर आत्मबल लेके आए और आत्मबल अगर वो जगा लेगा तो और फेल होते होते भी वो सक्सेस कर जाएगा और सक्सेस से और ऊपर चला जाएगा बाबा एक आपके गाने में है, एक, एक करना, हाँ जी हाँ जी हिंदू, मुस्लिम से जी 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 आपने उसको बोल्ड किया, हिंदू आ, और, और देन मुस्लिम का रखा क्या 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं एक शेर बनाया था हमने और कोई कंसेप्ट नहीं रखा किसी धर्म को लेके नहीं रखा हमने एक शेर बोला है ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है तो वो तुकबंदी में थोड़ा ऐसा हो जाता है अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं जी, के क्यों तो में अपना जी जी हम 90 से सत्संग करते हैं 1948 सौ अड़तालीस ही आश्रम में सत्संग होते हैं और हमने देखा यूथ उतना कनेक्ट नहीं हो रहा था तो फिर हमने गाना शुरू किया क्लासिकल कुछ गाया तो लगा नहीं फिर हिप हॉप रैप उसमें हमें दो प्लक अवार्ड भी मिले जस्टिन बीबर को एक मिला हमें दो मिले भगवान की कृपा से तो फिर भी यूथ हमें कहीं ना कहीं लगा कि अभी भी उतना नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लोगों को फिल्म जाते देखा तो पूछा क्यों डरते हुए क्यों जाते हो तो उन्होंने बोला गुरु मम्मी पापा डांटेंगे गलत चीज देखने जा रहे हो तो अचानक क्लिक हुआ क्यों ना इसमें भी कुछ अच्छी चीज लाई जाए ताकि माँ बाप को यार बेटा फिल्म देख के आ तो इसलिए ये ख्याल आया कि यूथ को हमने उनकी भाषा से समझाना बाबा हकीकत इंटरटेनमेंट आपका जो एक प्रोडक्शन हाउस है वो एक एक क्या जी जी प्रोडक्शन हाउस जो है वो गुड़गांव वेस्ट जैसे अभी खड़े हुए थे सीपी रोडा जी वो है उसमें हिसार से लोग हैं सरसा से हैं और पंचकूला से हैं तो इन्होंने मिल एक प्रोडक्शन हाउस बनाया है और हमने उनसे यही बोला कि उन्होंने हमें पूरी बागडोर दी कि डायरेक्शन आप करेंगे आ, एक्टर जो चुनने हैं या उनका आ, लेना है ऑडिशन लेना है वो भी आप ही करेंगे आ, आगे क्या मेन स्ट्रीम को लेकर भी आप मूवीज बनाएंगे ऐसा जी, जी 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 आप जो पूछ रहे हैं तो हम एम एस जी थरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक फिल्म आई जो वेदों पे है जो हमारे धर्मों पे है कि ये धरती बनी कैसे थी तब बहुत सारी धरतियाँ आई थी किसी में ज्वालामुखी था किसी में पानी किसी में बर्फ किसी में पहाड़ किसी में शून्य किसी में गैस तो कैसे जीवन वहाँ पैदा हुआ सात सौ लेके हज़ार फिट के आदमी कैसे थे वहाँ कैसे उनमें फाइट होती थी कैसे लव स्टोरी वहाँ चली कैसे आगे बढ़ावा होता चला गया और क्या था वहाँ तब तो वो सारा और कैसे हमारे देवी देवता हाईटेक थे ना कि गदाजी ऐसा कुछ नहीं था बहुत हाईटेक थी उनके पास साइंस तो वो एक अवतार जो मूवी आई थी हमारे अकॉर्डिंग हमें लगा कि वो हनुमान जी को हाईटेक किया गया और कुछ नहीं तो क्यों ना हम वेदों को लेके हैं जो समुंदर है तो उसमें से वो चीज लेके और वो मल्टी स्टार फिल्म होगी और उसमें हो सकता है बहुत से स्टार एक्टर भी उसमें आएंगे तो आप बिलीव करते हैं महाभारत और रामायण इस हिसाब से जी जी हमने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमने सारों को हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे साइंस को मानने वाले थे लेकिन जैसे धर्मों को पढ़ा तो पता चला कि धर्म तो महासाइंस है जो धर्मों ने चीज बताई थी साइंस ने अब सर्च किया है जैसे वेदों में बैक्टीरिया वायरस तो साइंस ने उसे अठारह में माना अठारह में माना है जबकि वेदों में वो लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया